हमारे साथ नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष गंगाराम मार्को जी है। इनसे पूछते हैं कि इनकी रणनीति क्या थी और कैसे चुनाव जीते, है ना। मार्को जी बताए कि आप बागी होकर चुनाव लड़े हैं और जीते हैं और उसके बाद बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बना दिया और आप जीत भी गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। जी वैसे मैं 20 साल से ग्राम देवतले के सरपंच रह चुका हूँ और मैं बीजेपी से सबसे पहले जुड़े हुए थे और मेरी दिली इच्छा हुई कि मैं जिला पंचायत लड़ूं, लेकिन किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिल पाया तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। लेकिन मेरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं यार, आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ में हैं। और इसी तरह सभी ने मेरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और मुझे विजय दिलाने में बहुत सहयोग किया। आप किसको श्रेय देना चाहते हो और कैसे काम करेंगे आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष? अब श्रेय बोले तो अपनी क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने मुझे जिताया, जिन्होंने सहयोग करे। आपके काम करने की रणनीति क्या होगी अब आने वाले समय में? काम करने की नीति, जैसे अभी पूरे देश में, प्रदेश में शिवराज जी और मोदी जी का एक ही नीति है कि सबके साथ और सबका विकास हो, ये नीति पे चलेंगे।